नमस्कार, मैं हूँ सुनीत और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर नौकरी ना लगी तो क्या करोगे आप। अगर नौकरी ना लगी तो क्या करोगे आप। पढ़ाई तो बहुत खूब करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तीन तीन चार चार साल हो चुके हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, सरकारें बदल रही है, साल बदल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं, किताबें वहीं के वहीं और सक्सेस ना मात्र की। लोग ताने मारते हैं कि अभी तक कुछ नहीं कर पाया, क्या कर लेगा, पढ़कर क्या मिला है। अगर यही बात आपको भी लोग कहते हैं तो डरिए मत, अच्छे से मेहनत कीजिए, विज्ञान से आने दीजिए और कर दीजिए एग्जाम को फाइट और बन जाए आईएएस आईपीएस। लेकिन अगर नौकरी नहीं लग पाए तो क्या होगा, ये सोचा है आपने कभी? अगर आपने ये नहीं सोचा तो बेरोजगार हो जाओगे, ठोकरे खाते फिरोगे। तो मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन एक समय देकर। जैसे कि हमारा एक क्लास जो है एक साल की होती है, उसी प्रकार हमें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी साल देकर ही मेहनत करनी चाहिए। अगर आप बिना टाइम मैनेजमेंट के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नहीं नौकरी ना लगी तो आप बिल्कुल बेरोजगार हो जाओगी। मेरे दोस्तों, एक अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल किसी काम के नहीं रहोगे। अपने घर वाले भी तुम्हें ताना मारेंगे और अपनी जो गांव की सोसाइटी के लोग हैं वो भी जो है हमें ताना मारेंगे अगर हम नौकरी नहीं लग पाए, क्योंकि आजकल उठाने वाले बहुत कम, गिराने वाले सब मिलते हैं। उठते को जो है दोस्तों, जो उठना चाहता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ाई करनी चाहिए कि अगर मेरे को इन तीन सालों में किसी भी एग्ज़ाम में जो है मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया तो मैं यहाँ से पढ़ाई छोड़ दूंगा और उसके बाद यह काम करूँगा। पढ़ाई मैंने भी की है दोस्तों, लेकिन जो मेरा लक्ष्य था उस पर मैंने जो है प्रयास किया, उसमें अपनी जी जान लगाकर प्रयास किया और मैंने सिलेक्शन नहीं हो पाया तो छोड़ दिया, बस बाहर में जाए सरकार नौकरी। अपनी खेती है, अपने जो बहुत से छोटे मोटे काम है उसको करो बस, और बहुत भी सारी जो है मजदूरी है वो करो। अगर मजदूरी नहीं करना तो कोई बिजनेस खोल लो यार। आजकल तो सोशल मीडिया पे जो ठुमके लगाए छोटे मोटे और बहुत सारा पैसा। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील देखने के बजाय उनसे पैसे कमा सकते हो। अगर आप मेरा यही वीडियो अंत तक देख रहे हो तो आपको मेरा यही वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छी जो जानकारी लगी होगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक रील से जो पैसे कैसे कमाए तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी जो हेल्प जरूर करूँगा।